तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है यार आपका आज की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला हमारे LG के 2022 मॉडल का यहाँ पे HD रेडी टीवी का यहाँ पे कंप्लीट डिटेल अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इसकी पिक्चर क्वालिटी टेस्ट और यहाँ पे इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे। और गाइज यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें इस टीवी में देखने को मिलने वाले हैं। सो आपको और हमारा और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना रिव्यू, लेट्स बिगिन। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में हमारे टीवी के, उसके बाद यहाँ पे इसका पिक्चर क्वालिटी और साउंड टेस्ट यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात करें, सो यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। हालांकि ये यहाँ पे आपका जो प्लास्टिक मटेरियल वो काफी स्टर्डी मिलता है, मतलब आपका काफी रिलायबल यहाँ पे रहने वाला है। और बात करें इसमें आपको जो HDR10 का और HLG का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा हमारा यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई, और साथ के साथ जो ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है हमारा 5.0। रैम की यहाँ पे बात करें तो 1GB की रैम और 8GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो LG टीवी में हमारा वेब ओएस यहाँ पे देखने को मिलता है एज अ यूजर इंटरफेस। सो यहाँ पे बात करें इसमें आपको एप्पल एयरप्ले का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इसमें वॉइस कंट्रोल सपोर्ट, जिसमें आपका गूगल और यहाँ पे अलेक्सा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और साथ के साथ बात करें इसके प्रोसेसर की, सो यहाँ पे आपको Alpha 5 Gen 5 AI प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। सो अभी चलते हैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी और साउंड टेस्ट की तरफ, और वहां पे देखते हैं हमें क्या इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। सो लेट्स गो। यहाँ पे बात करें इसके पोर्ट्स की जो हमें बैक साइड पे देखने को मिलते हैं, सो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल पोर्ट देखने को मिलेगा, फिर एक लैन पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे दो हमें देखने को मिलेंगे एंटीना पोर्ट। जो पहले वाला पोर्ट है वो ताइवान और फिलीपींस के लिए, और जो दूसरा वाला वो हमारे एशिया के लिए। और इसके साइड में टीवी के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे 2 HDMI पोर्ट, जिसमें से आपका एक ERC पोर्ट होगा और एक USB पोर्ट और एक हमारा AV इनपुट पोर्ट। तो गाइस अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे टीवी के साथ हमारा मैजिक रिमोट आता है। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रिमोट देखने को मिल जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रिमोट होने वाला है। सो ये देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया लगता है, और एक हैंडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है थोड़ा। तो गाइस इसके सेंटर में आपको यहाँ पे वॉइस का बटन देखने को मिल जाता है, और इसी के नीचे आपको स्क्रॉलर देखने को मिल जाता है। और बात करें यहाँ पे इसके हॉटकीज़ की, सो यहाँ पे आपको नीचे हॉटकीज़ देखने को मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, मूवीज़, गूगल और एलेक्सा वाले। सो गाइस अब बढ़ते हैं आगे और अपने टीवी को स्टार्ट करने के बाद देखते हैं हमारे मैजिक रिमोट का कमाल, और यहाँ पे बात करेंगे अपने वेब ओएस के बारे में भी। तो गाइस ये रहा हमारे LG टीवी का वेब ओएस, और यहाँ पे आप यूजर इंटरफेस देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला। और जो मैजिक रिमोट यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्मूथली और लैग फ्री वर्क कर रहा है। सो आप काफी इजिली यहाँ पे अपनी नेविगेशन और यहाँ पे जो सर्चिंग होगी कंटेंट की वो बहुत ही स्मूथली और फास्ट कर पाओगे, और एक से जगह दूसरे कंटेंट पे स्विच कर पाओगे। सो ये देख सकते हैं काफी स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा है हमारा मैजिक रिमोट। तो गाइज अब आगे बढ़ते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की तरफ। सो यहाँ पे गाइज जो आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है ये हमारा HDR पे चल रहा है, क्योंकि हमारा HD रेडी है हमारा टीवी है। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलने वाला है HDR कंटेंट अगर आप देखने वाले हो। और बात करें यहाँ पे इसके डिस्प्ले की, सो इसमें आपको IPS 8-bit पैनल की डिस्प्ले मिलती है, वो भी हमारे 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। और अपने यहाँ पे 4K क्वालिटी में अपने HDR कंटेंट देख रखा है, सो डेफिनेटली उसके हिसाब से आपको ये कम लगेगा, और वो डिफरेंस यहाँ पे लगना भी चाहिए क्योंकि वो हमारा 4K टीवी होता है और ये हमारा HD रेडी टीवी है। सो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ सकते हैं, और यहाँ पे आप लगभग देख ही सकते हैं ठीक ठाक आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिली जाती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से बजट टीवी में। और गाइस इसमें जो आपको कंट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है वो हमारा 1100:1 का देखने को मिल जाता है, और जो इसकी ब्राइटनेस मुझे देखने पर लग रही है वो हमारी 225 निट्स के अराउंड ही लग रही है। सो ये थोड़ी आपको ब्राइटनेस कम लगेगी अगर आप यहाँ पे HDR कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, सो उस हिसाब से उस वक्त यहाँ पे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस की कमी लगेगी, और आप यहाँ पे ज़्यादा ही ब्राइट रूम में रह के यहाँ पे कंटेंट को देखते हैं, ज़्यादा यहाँ पे रोशनी होती है आपके रूम में, सो वहाँ पे आपको थोड़ी HDR कंटेंट में ब्राइटनेस की कमी शायद लग सकती है। और जो इसके ब्लैक्स वगैरह वो यहाँ पे ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा मैं डीप नहीं कहूँगा क्योंकि हमारा ये वैसे भी IPS पैनल है। सो यहाँ पे ब्लैक भी आप देख सकते हैं ठीक है, इतने ज़्यादा भी यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रे नहीं देखने को मिल रहे। अब चलते हैं हमारी साउंड क्वालिटी टेस्ट की तरफ। जैसा कि
कि यहाँ पे आपने देखा हमारा पिक्चर क्वालिटी और साउंड टेस्ट। तो यहाँ पे इसके स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 वाट के यहाँ पे डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 10 वाट के स्पीकर थे, सो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे जो इसकी स्पीकर की लाउडनेस थी मुझे इतनी ज्यादा कम नहीं लगी, जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करें बाकी 10 वाट के स्पीकर में देखने को मिलती है। सो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हमें इतनी अच्छी यहाँ पे लाउडनेस भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे जो लाउडनेस है, जो स्पीकर की क्वालिटी है, मुझे काफी हद तक ठीक लगी है 10 वाट के हिसाब से। मैं 10 वाट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और गाइस यहाँ पे बात करें इसके ओवरऑल एक्सपीरियंस की, सो यहाँ पे जो हमारा यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस था वो काफी स्मूथ और लैग फ्री आपको जैसा कि वीडियो में भी देखने को मिला था। और जो हमारा मैजिक रिमोट था वो काफी एफिशिएंटली और बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा था, कोई भी ऐसा ज्यादा डिफरेंस या लैग वैग देखने को नहीं मिल रहा था और काफी इजीली आप वहाँ पे यूजर फ्रेंडली आपके लिए होगा। और बात करें यहाँ पे इसमें ऐप्स की, सो आपको यहाँ पे सारे ही पॉपुलर ऐप देखने को इजीली मिल जाएंगे जो भी आपके टीवी के रिलेटेड यहाँ पे रहते हैं। और गेमिंग मोड में आपको यहाँ पे लो लेटेंसी का भी फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप यहाँ पे गेमिंग भी ठीक ठाक यहाँ से सही पे कर पाओगे। हालांकि जब यहाँ पे आप HDR गेमिंग करोगे सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम लग सकता है, अगर आपने यहाँ पे 4K क्वालिटी टीवी में यहाँ पे आपने गेमिंग कर रखी है सो उसके हिसाब से आपको ये थोड़ा सा कम लगेगा। बट ओवरऑल यहाँ पे अगर आपने 720 या फिर आपने HD रेडी यहाँ पे टीवी में यहाँ पे गेमिंग वगैरह करी है सो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल यहाँ पे गेमिंग का भी एक्सपीरियंस आपको सही सही मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इसकी वारंटी की, सो ओवरऑल यहाँ पे 1 ईयर की प्रोडक्ट पे और आपको एडिशनल 1 ईयर की इसके पैनल पे वारंटी देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की, हमें इस टीवी में क्या देखने को मिले। तो सबसे पहले इसके प्रोज के ऊपर बात करें, सो यहाँ पे जो आपका फ्री वॉल माउंट देखने को मिल जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। हालांकि आपका जो वॉल माउंट होता है वो आपके टीवी के बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, बट जब आपका यहाँ पे टेक्नीशियन जो है इंस्टॉलेशन के लिए आता है उससे आप यहाँ पे वॉल माउंट मंगवा सकते हो, उसको बोल सकते हो कि मुझे वॉल माउंट लगवाना है, सो वो यहाँ पे आपका वॉल माउंट लेके आएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वॉल माउंट लगेगा। और जो दूसरा यहाँ पे प्रो देखने को मिलता है कि आपको इसमें मैजिक रिमोट देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि काफी एक हैंडी ऑपरेशन हो जाता है आपके लिए। और जो तीसरा प्रो यहाँ पे देखने को मिला है कि आपको जो इसका साउंड आउटपुट देखने को मिलता है वो काफी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है 10 वॉट स्पीकर होने के बावजूद। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स की। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रोडक्ट अपने फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है कुछ ना कुछ कॉन। तो यहाँ पे जो पहला कॉन यहाँ पे देखने को मिला है वो आपको यहाँ पे कि कोई भी आप यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे इसमें। और जो दूसरा यहाँ पे कॉन मुझे देखने को मिला है इस टीवी में कि 2022 में भी यहाँ पे आपको इस टीवी में थिक बेजल देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे अब बात करते हैं इसके कुछ फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, मतलब मेरे फाइनल ओपिनियन के बारे में। सो यहाँ पे आपको एक LG वेल नोन ब्रांड आपको देखने को मिल जाता है टीवी में, सो आप काफी ज्यादा रिलायबल कर सकते हो। इसमें आपको काफी बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस भी देखने को मिल जाती है। और बात करें यहाँ पे अगर आप एक बजट टीवी देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए, लंबे समय के लिए, सो ये आपके लिए टीवी बढ़िया हो सकता है। फिर अगर इस प्रोडक्ट का लिंक, जो मैंने टीवी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और करेंटली इस वक्त पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर भी देखने को मिल रहा है 500 का, और एडिशनल आपको यहाँ पे 1500 तक का भी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे बैंक ऑफर या फिर एलिजिबल क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी यहाँ पे लगाते हो। तो गाइस यहाँ पे जो डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक है वो मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से लेना है तो आप वो ले सकते हो। तो गाइस यही तो बस हमारी आज की वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।